हेलो दोस्तों, एग्जाम फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पीसी या लैपटॉप या सिस्टम जो भी यूज़ कर रहे हैं और जब आप कुछ इस पे अपडेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी डंप फाइल होती हैं जो कि हमको यूज़ नहीं करना रहता है, लेकिन वो हमारे स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती रहती हैं और वो डंप होती रहती हैं। तो उसको कैसे क्लीन करेंगे विंडोज़ 10 में, तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। तो विंडोज़ 10 में आपको बहुत ही इजी तरीके से दिया गया, सिंपली आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जैसे जाएंगे यहाँ पे एक मिल जाता है फर्स्ट सिस्टम, सिस्टम में जाइएगा, यहाँ पे आपको एक मिल जाता है टैब स्टोरेज। सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो आप जितने भी स्टोरेज में कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ हो रहा है, स्टोरेज कहाँ कहाँ पे आपका यूज़ हुआ है, वो सब पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पहले ही मिल जा रहा है टेम्परेरी फाइल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 27.9 GB जो है ये टेम्परेरी फाइल है। आप इसको चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आपको चेक करना रहता है। कभी हो सकता है कि डाउनलोड में भी कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं उसको भी आप टेम्परेरी फाइल में यहाँ पे शो करता रहता है। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियोज़ में दिया है कि वीडियोज़ को कितनी फाइल यहाँ पे कवर कर रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये सिंपली आपके लोकल जो डिस्क सी है उसी को यहाँ पे वो चेक कर रहा है। अगर इसको आप पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल हमको सी पे जो है फोकस करना है, तो सिंपली यहाँ टेम्परेरी फाइल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेट दिया है 1.05 MB। व्यू अपडेट सेटिंग पे क्लिक करके इसकी सेटिंग्स को देख सकते हैं, जो अपडेट था आया था उससे रिलेटेड था। यहाँ पे फिलहाल इसको स्कैनिंग कर रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पे इंक्लूड किया है 25 GB में। तो यहाँ पे आपको कुछ वेट करना होगा जब तक ये पूरी स्कैनिंग कर नहीं लेता है। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह की फाइल जो रहेगी आप इसको रिमूव कर सकते हैं, तो आपका जो स्पेस रहेगा सी ड्राइव का वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपकी जो स्पीड रहेगी पीसी की या लैपटॉप की वो थोड़ा सा बढ़ सकती है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको कुछ देर तक वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि तो क्लिक करते ही आ जाएगा, क्योंकि जितने भी स्पेस रहेगा उस सबको चेक करता रहता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर तक वेट करना रहेगा। तो यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा स्किप कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जितना स्कैन करना था यहाँ पे कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 232 MB में नॉट बी रिकमेंडेबल, तो यहाँ पे कुछ MB है जो नहीं उसको रिमूव कर सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस विंडोज़ इंस्टॉलेशन जो है 14 GB का है, जो कि मुझको यूज़ नहीं करना है। फिलहाल हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 17 GB का है। और इस तरह डाउनलोड है तो ये मुझको यूज़ करना है, तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि डाउनलोड में मैं वीडियोस और ये सब कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हूँ, तो वो सब यहाँ पे है। इसी तरह डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल्स है, इसको भी आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। बाकी ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे रिमूव फाइल्स पे क्लिक कर देंगे, तो ये जितनी फाइल्स थी यहाँ पे सब आपकी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से जो भी स्पेस रहेगा अपने पीसी या लैपटॉप या सिस्टम का उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अपने पीसी या लैपटॉप की जो स्पीड है उसको आप स्मूथ कर सकते हैं इस तरीके से। तो आई होप कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। इस तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।